नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। आज की ताज़ा तरीन खबर लेके आया हूं। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बीती रात एक तहखाने में चार लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और बताया जा रहा है कि ये मौत अवैध शराब का जो गोरखधंधा चल रहा था उस कारण हुई है। वहाँ थोड़ा सा रिसाव हुआ और उसके बाद इन चार लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में एक तस्कर बताया जा रहा है जो अवैध शराब का कारोबार करता था राजेंद्र। इस पूरे मामले पर आखिरकार क्या है, वहाँ पर पूरा क्या प्रकरण हुआ, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हम चल रहे हैं अपनी रिपोर्टर शीतल ठाकुर के पास। शीतल, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी, मैं सुन पा रही हूँ। शीतल, मैं ये पूछ रहा था कि ये मामला कहाँ का है और इनकी मौतों का कारण क्या है? जी रवि जी, आपको बताऊँ कि ये मुरादाबाद के थाना डिलारी इलाके के रजपुरा किसरिया गांव में रहने वाले राजेंद्र सिंह के घर का मामला है, जहाँ राजेंद्र सिंह के घर के अंदर एक नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ था, जहाँ पर ये अवैध शराब का कारोबार करते थे, जिसमें इन्होंने रात भी अवैध शराब बनाई गई थी, जिसके स्मेल के कारण, जो कि बताया जा रहा है स्मेल के कारण, इन चार युवकों की मौत हुई है, जिसमें राजेंद्र सिंह के दो पुत्र और उनका एक नौकर इस अवैध शराब में कारोबार कर रहा था, कारोबार करते समय जो कि स्मेल के द्वारा इनकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है, पुलिस ने चारों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जी शीतल, ये पूरा मामला जो है अवैध शराब से जुड़ा हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले अलीगढ़ में भी घटना घटी है, उसके बाद भी मुरादाबाद प्रशासन चेता नहीं था और इस तरह का गोरखधंधा चल रहा था। जी, ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें लापरवाही, बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे भी पहले मुरादाबाद में मामले आ चुके हैं अवैध शराब के, जहां बच्चों के द्वारा भी शराब बिकवाई जा रही थी और अवैध शराब से जो कि कुछ लोगों की मौत भी दर्शाई गई थी, लेकिन फिर भी प्रशासन आग पर पट्टी बांधे बैठा, ये हम कह सकते हैं। शीतल, क्या इस मामले के बाद कोई बड़ा अधिकारी मौके स्थल पर पहुंचा है? जी, वहाँ SSP मुरादाबाद मौके पर पहुंच चुके थे और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम के साथ में जांच पड़ताल जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शीतल, पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में पेच है क्या? पेच है अवैध शराब का कारोबार। अवैध कारोबार, अवैध शराब चल रही है, जबकि राजेंद्र पहले पुलिस जेल भेज चुकी है, उसके बाद भी वो गोरखधंधा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुरादाबाद पुलिस की भूमिका इसमें संदिग्ध है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तसव्वुर अली है। तसव्वुर साहब, ये कौन थे, क्या नाम था इनका, जिनके हादसा हुआ है? ये राजेंद्र सिंह। अच्छा, आज क्या हुआ गाँव में, कितने बजे की बात है? ये सर शाम के टाइम की बात है। अच्छा, क्या हुआ, क्या पता चला? पता ये चला कि इसमें मतलब यह कोई गटर था, उसके अंदर ये चार मतलब यह कि इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अच्छा, किन किन लोगों की मौत हुई है इसमें? एक तो पिताजी हैं उनके और दो उनके बेटे हैं, एक आदमी पहाड़ के हैं कोई। अच्छा, क्या क्या नाम? नौकर है उनका, एक तो राजेंद्र सिंह है। और बेटों की उम्र कितनी रही होगी? बेटों की उम्र एक की लगभग 35 साल है, एक की लगभग 22-23 साल है। शादीशुदा है? हाँ, एक शादीशुदा है, एक कोरा है। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं जैसे वहाँ जैसे कुछ कोई देसी शराब वगैरह बना रहे थे घर? हाँ, यही है कुछ ना कुछ, तो उसी में बेचते थे शराब ये? हाँ, बेचते हो? नहीं, आप गाँव में पता चला पहले कभी? पहले एक से एक डेढ़ साल पहले शराब के उसमें पकड़े गए थे, 250 पेटी पकड़ी गई थी। अच्छा अच्छा तो अब उसके बाद फिर आज ये घटना हुई है? ये घटना हुई, ये चार लोगों को पुलिस के द्वारा जिला चिकित्सालय मुरादाबाद आज दिनांक 22/6/2021 को यहाँ पर इमरजेंसी में लाया गया, जिनको देखने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। चारों ही मृत अवस्था में थे, उनको बॉडी पोस्टमार्टम के लिए, बॉडी को पोस्टमार्टम मॉर्चरी में रखवाने के लिए जो है वो लोग पुलिस लेके चली गई है। SI सतीश कुमार। और ये लोग जो है थाना डिलारी के पास एक गांव पड़ता है, ये केसरिया गांव की घटना बता रहे हैं। जब बॉडी को देखकर क्या लगता है कि मौत कैसे है? बॉडी को देख कर अभी बिना पोस्टमार्टम के कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि किस कारण से मृत्यु हुई है, कैसे हुई है, क्या है, ये पोस्टमार्टम ही खुलासा कल हो पाएगा, उससे पहले नहीं कहा जा सकता।